अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश राजी बाजी मजे में होंगे, जहाँ भी होंगे पार्टी कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं वीडियो, मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे बच्चों के रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस के, तो आज मैंने कुछ सीएस के बच्चे घेरे हैं, मेरे जूनियर्स हैं, और इनसे पूछते हैं जो क्वेश्चंस मुझे आए थे वो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, ताकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो वो क्लियर हो जाएं और आपको आइडिया हो जाए कि सीएस में आना है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। सीएस जो है वो बहुत वाइड ब्रांच है, उसकी सब ब्रांच में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप ज़्यादा डिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, उसका प्रोजेक्ट मैनेज कैसे करते हैं, उसकी कम्युनिकेशन के तरीके कैसे होते हैं, उसके फेजेस क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के, जबकि सीएस में आप उसे एक ओवरलुक देते हो सॉफ्टवेयर को, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस कहते हैं मशीन लर्निंग में होता है, और उसमें आप हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को भी पढ़ते हो और सॉफ्टवेयर के भी पढ़ते हो, दोनों होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर के होते हैं और वो बहुत डिटेलिंग होती है। अच्छा, सीएस एक्चुअली में एक फील्ड है, उसके आगे से आगे ब्रांचेस डीएस एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सीएस में बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा हर कोर्स का पढ़ लेते हो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक में जाते हो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हो, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा है, हमारे ज़्यादा कोर्सेज जो है ना उस पर फोकस्ड है, लाइक सीएस वालों को एक कोर्स पढ़ाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो 8th सेमेस्टर में जाके पढ़ाते हैं, और हम लोगों को लाइक वो 2nd सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया, और ज़्यादा डिटेल में आगे बाकी सेमेस्टर्स में उसी की डिटेल में हमें पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। सीएस एक बड़ा डिसिप्लिन है, उसके नीचे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, तो जो सीएस के कोर्सेज हैं उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा टच दे दिया जाता है, लेकिन उसकी एक डिटेल आपके पास नहीं आती। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे एक टीम के साथ अपना काम करते हैं, और यू आर मोर कंसर्न्ड कि हाउ सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये आपको सीएस में उस डिटेल में नहीं पता चलता। तो यू आर इन अ सेंस कि आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो लोग जाना चाहते हैं और जो लोग परस्यू करना चाहते हैं इस फील्ड को, तो उनके लिए है कि वो इसी फील्ड को आएँ, सीएस में वो ना खपें, उन्हें खपने की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको यहाँ पे मिलेगी। अच्छा यार, फैकल्टी का बताओ, फैकल्टी का क्या सीन है? फैकल्टी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और कुछ टीचर्स जो मतलब अभी तक हमें मिले हैं, अभी जब 2 सेमेस्टर हमने गुजारे हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है, यानी कि अगर आपको कहीं मसला आता है तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, यूँ नहीं करते कि असाइनमेंट्स में आपको रिलैक्स कर देते हैं कभी, अगर आपको मुश्किल असाइनमेंट मिले, ये टीचर को भी पता होता है कि मुश्किल है, इनसे उस डेडलाइन में नहीं होगी, तो अगर आप उसको उनको रिक्वेस्ट करें तो आपको डेडलाइन भी एक्सटेंड कर दी जाती है, तो इन अ सेंस ये मतलब ओवरऑल अच्छी है, ओवरऑल फैकल्टी इज नाइस। फैकल्टी कैसी है? सही है, मिक्स होता है, सब अच्छे हैं वैसे, लेकिन लोड ज़्यादा दे देते हैं ये लोग काफ़ी, मतलब हर हफ्ते असाइनमेंट्स आ रही होती है हर कोर्स की, तो मैनेज करना आना चाहिए। वैसे फैकल्टी सारे अच्छे हैं, लाइक आप उनके पास जाकर हेल्प ले सकते हो कभी भी ऑफिस आवर्स में जाकर, तो सारे टीचर्स अच्छे हैं, वो आप पे डिपेंड करता होता है आप कैसे उनका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। वर्क लाइफ वर्सेस कैंपस लाइफ क्या रेशियो है, कैसी जा रही है? अच्छा, दोनों को मैनेज करना पड़ता है वैसे, लेकिन कैंपस लाइफ डेड है, आप लोग बस आओ और दोस्त अच्छे बनाओ तो फिर सेट रहता है सारा कुछ, लेकिन मैनेज करना पड़ता है क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाती है यूनिवर्सिटी लाइफ, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, यूनिवर्सिटी से लेट क्लासेस एंड होती है, फिर उसके बाद घर जाकर असाइनमेंट्स होती है रोज, तो वो मुश्किल हो जाता है। इवेंट्स वगैरह नहीं होते हमें? थोड़ा सा ऑफ सीन है थोड़ा सा कोविड की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है, लाइक कैफे तो बंद रहा हमारा डे का, हम लोगों को तो मिला ही नहीं है कैफे देखने को, आप खुला है तो देखते हैं। अच्छा, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई एडवाइस? यहाँ पर ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, पहले दिन से पढ़ोगे तो जीपीए आएगा, लेकिन जीपीए के पीछे भागना नहीं है, अपनी फ्रेंड्स के साथ लाइफ एंजॉय करो और मेहनत करो पहले दिन से, क्योंकि सीएस और एससी में आपको बहुत रगड़ा देने वाले हैं। मैं थी नहीं बनी थी, मैंने 7-7 एंजॉय बहुत किए, मैं पढ़ा भी 7-7 है और एंजॉयमेंट फुल की है। हाँ, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। चलो अच्छा, आप लोगों का पहला बैच है, ठीक है, तो अभी जो नए बच्चे आएंगे उनको कुछ नहीं पता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, लाइक क्या, उनको थोड़ा आइडिया इस चीज़ का देना है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें इनको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना सब कुछ सिखाएंगे, आपको कोडिंग भी सिखाएंगे और आपको टीम के साथ किस तरह रहना है, आपको सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबको, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जिस तरह होगा वो आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, जबकि ये सीएस या जो सीएस में है वो आपको इतना डिटेलिंग में सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताया जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोगों को ऐसे सुनने में आता है कि यार सीएस फास्ट की बेहतर है, तो ऐसा लगता है कि सीएस ही बेहतर है, बाकी सारी फील्ड्स फारिग हैं, ऐसा क्या सीन है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि जॉब जो होती है वो सीएस वालों को ऑफर होती है सारी, और ये होते हैं प्लानिंग वगैरह, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है,
मैं खुद इस तरह डाउट में थी पूरा साल, लेकिन असल में एक इवेंट हुआ था, फास्ट का इवेंट होता है सॉफ्टवेयर, तो उसमें काफ़ी आपके इंटरेक्शन होता है, काफ़ी कंपनीज से भी लोग आते हैं, तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, तो दे वर लाइक के कोई फ़र्क नहीं होता, आप लोगों का अपना काम होता है, उनका अपना काम होता है, काफ़ी कोर्सेज हमारे सिमिलर भी होते हैं, इसलिए इसमें नहीं रहना कि सी एस और एस सी से कौन सा बेहतर है, क्या करना चाहिए, सारे सी एस में चले जाते हैं ये सोच कर, तो नहीं ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो फिर आप ऐसे, तो मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाह रहा है तो आ जाए ठीक। अच्छा ये लोग जितने भी हैं ये बगैर टेस्ट वाले हैं और इनके मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, मतलब 50-50 वाला सीन था, ऐसे ही था ना, तो इनको उस बेस पे रखा गया। अब इस दफ़ा भी मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं हुआ, इस दफ़ा हुआ, अच्छा ठीक है, इस दफ़ा भी टेस्ट हुआ है और नेक्स्ट टाइम भी टेस्ट होगा, और वो 50-50 होता है, 50% मैट्रिक या FSC होता है, FSC और बाकी 50% टेस्ट। तो आपका 50% क्या था? अच्छा टेस्ट से रिलेटेड भी मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि टेस्ट कैसा होता है, मुश्किल होता है, आसान होता है। टेस्ट के रिलेटेड अगर आपने वीडियो देखनी है तो मुझे पहले अच्छा दिस इज इट फॉर नाउ। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो इन लोगों के मैं DMs इंस्टाग्राम वगैरह नहीं डाल रहा, मुझे डायरेक्ट पूछ लेना और मैं आपको डाल रहा हूँ।